क्या खत्म हो जाएगा आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का नियम, एक बड़ी खबर के साथ इस वीडियो में हम मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, आईपीएल में मेगा ऑक्शन के पहले बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी मालिकों की कल बैठक होने जा रही है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर बीसीसीआई का मुख्यालय है। कल ये बैठक तकरीबन शाम को 7:30 पे होगी और ऐसे में बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। और अगर हम बात करें जो प्रमुख मुद्दे होंगे, उनमें रिटेंशन को लेकर होगा और साथ ही साथ सैलरी कैप को लेकर होगा। ये चीजें तो आम बात है, क्योंकि लगातार ये मांग हो रही है कि रिटेंशन जो पॉलिसी है वो 5 से ज्यादा किया जाए, यानी फ्रेंचाइजी ये चाहते हैं 6 से 8 हो और बीसीसीआई ये चाहती है कि कम से कम 4 ही रहे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो इम्पैक्ट प्लेयर का नियम है, ये एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। देखिए, सारी निगाहें इस पर इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर देखें इंपैक्ट प्लेयर को लेकर जो ये रूल्स आया था, इसमें एक चर्चा का विषय है। कुछ खिलाड़ी इसके फेवर में रहते हैं, कुछ ने अपनी राय दी है कि इस नियम को हटाना चाहिए। कई बार ये किसी टीम को ज्यादा फायदा दे देता है और कई बार किसी टीम को ये नुकसान पहुंचाता है। मैं समझता हूं कि आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल्स है, ये पिछले कई सालों से है, यानी कि इस साल भी था और पिछले साल भी था, और ऐसे में देखा जाए तो ये जो रूल्स है ये इफेक्टिव भी है उन खिलाड़ियों के लिए जिनको मौका मिल जाता है। लाइक आप बॉलिंग अच्छा करते हैं, हालांकि बैटिंग उतना अच्छा नहीं करते हैं, तो आपको जब जरूरत होती है तो गेंदबाजी में इस्तेमाल कर लिया जाता है या बैटिंग में इस्तेमाल किया कर लिया जाता है। आपने देखा होगा केकेआर की तरफ से सुयश शर्मा को लगातार इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाया जा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे नियम है। और आपने देखा होगा कि शिवम दुबे, जिनको बैटिंग में केवल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लिया जाता था, यानी कि ऑलराउंडर की संख्या को कम कर देता है। अगर आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छा कर लेते हैं और कहीं ना कहीं 2-3 ऑलराउंडर आपके पास हैं आपकी टीम में, फिर इंपैक्ट प्लेयर के साथ एक को बाहर जाना पड़ेगा। पहली बार दोस्तों ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इसे लाया गया था। हालांकि वहां पे ये जब नियम लागू किया गया तो भी कुछ लोगों ने कहा कि इसे, अब वहां से भी ये बातें निकल के आ रही कि शायद इसे हटाया जाए, लेकिन ये अभी पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया क्या होता है इंपैक्ट प्लेयर, आपने बिल्कुल आप जानते होंगे, एक मैच चल रहा होता है और आपकी बैटिंग बहुत अच्छी नहीं जा रही हो और आपको ऐसा लगता है कि समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत हो जिससे आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर नाम दिए और वो आपको उसे बुला सकते हैं। हालांकि उस दौरान एक प्लेइंग 11 के टीम के मेंबर्स को बाहर भी आना पड़ता है और यही चीज गेंदबाजी में भी लागू होती है। और इंपैक्ट प्लेयर का रूल्स जो है कुछ खिलाड़ियों को मौका जरूर देता है। और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा, ये बड़ा मुद्दा होगा कल होने वाली बैठक में। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर ये नियम हटा तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो आईपीएल में खेलने का मौका मिलता है वो शायद इससे दूर हो जाएंगे। अब देखने वाली बात है बीसीसीआई इस पर क्या फैसला लेती है। वैसे इंपैक्ट प्लेयर का रूल्स मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है, लेकिन आपके हिसाब से कैसा है ये आप बिल्कुल कह सकते हैं। और ये कल होने वाली बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी के मालिकों की बैठक में आएगा।